देखिए, अमूमन तो लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिस्थितियां कई बार इंसान को इतना कमजोर बना देती हैं कि वो जो चीजें मुंह से नहीं कह पाता वो आंखों से कह जाता है। पढ़ाई कीजिएगा तो पता चलेगा कि 35 साल में जॉब मिला, तब तक 10 लाख कर्जा हो गया ऊपर से। सैलरी अभी आपके ऊपर कितना कर्जा है, आपके परिवार के ऊपर? में रोज पे रहता है, 500 रुपया मिलता है, लेकिन लेबर का यही अति है। घर पे नहीं बताए कि आप लेबर का काम करना है, या घर पे बता दिया आपने? तो फ्रेम में आपको जो शख्स नजर आ रहे हैं उनका नाम है आदित्य, और ये इसलिए खास है क्योंकि इन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो गंगा नदी में बहा दिया। अब गंगा नदी में इन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट, सारा सर्टिफिकेट क्यों बहाया, यही जानने के लिए आज मैं आदित्य को ढूंढ निकाली हूँ। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर मुझे मिला था जिसमें ये अपने हाई स्कूल, इंटर, बीए सब डॉक्यूमेंट को गंगा नदी में बहा कर ये कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट मेरे किसी काम का नहीं है। तो हैरानी मुझे इस बात की हुई कि हम अपनी जिंदगी का 23, 24, 25 साल निकाल देते हैं इन सभी सर्टिफिकेट को इकट्ठा करने में, और ये कौन लड़का है भाई जो सारा सर्टिफिकेट गंगा में बहा रहा है? तो जैसे कि बताए थे कि हम जा रहे हैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट यही डुमरिया घाट तक गंगा नदी में बहाने, तो मेरा माटी का सर्टिफिकेट है, ये मेरा इंटर का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट डिवीजन। मेरा बीए का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट डिवीजन। और एक कॉल सेंटर था, जिसे कॉल सेंटर के पढ़ाई किए थे, और बहुत सारे सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, कितना सर्टिफिकेट बताएंगे। ये मेरा अमानत का है, और आज सब हम इसी गंगा जी में, और ये सारा डॉक्यूमेंट हम दिख रहे हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है इसका। तो आदित्य से ही बात करेंगे कि क्या ये कोई रील थी या ये रियल था, आखिर इन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट पानी में क्यों बहाया, गंगा नदी में क्यों बहाया, यही जानेंगे। तो आदित्य आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैम। तो आदित्य ये बताइए कि क्या वो कोई रील था, मतलब क्या कोई, आप रीलबाजी की दुनिया है, आजकल लोग रील बड़ा बना रहे, तो वो कोई रील वील बनाने के लिए आपने किया था कि अपना सारा डॉक्यूमेंट फेंक दिया था, फोटो कॉपी वोपी था, या रियल डॉक्यूमेंट था? नहीं मैम, रील हम ना पूरे अपने लाइफ से परेशान हो गए थे, पूरा डिप्रेशन में चल गए थे, और इधर इसके चलते फेंकना पड़ा। तो जो आप अपना सर्टिफिकेट सारा फेंक रहे थे वो सब रियल था ना, मतलब सारा ओरिजिनल मार्कशीट था ना? हाँ मैम, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने फेंक दिया, तो आप करेंगे क्या? जी सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने फेंक दिया है तो अब आप करेंगे क्या? एक नौकरी के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप करेंगे क्या? बस मैम, मजदूर का काम करते हैं। क्या मजबूरी थी आदित्य, क्यों फेंकना पड़ा आपको अपने डॉक्यूमेंट? मैम ना शुरू से आदमी पढ़ाई कर रहा था कि हाँ एक अच्छा लेवल के पढ़ाई करेगा आदमी, शुरू से शौक था कि बीपीएससी पढ़ेंगे, लेकिन घर के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बाद कैसाऊ भी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पढ़े, बढ़िया से अच्छा नंबर लाए, सब में फर्स्ट डिवीजन है। जिस समय कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं था मेरे पंचायत में या गांव के आसपास, तब तो हम फर्स्ट डिवीजन आते थे, लेकिन बाद में स्थिति खराब होते गई, उसके बाद घर से ताने भी मिलना शुरू हो गया कि फलानवा के लड़का के ये हो गया, वो हो गया, आई है अभी ले पढ़िए रहा है, कि कहीं जाके पढ़ाना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, इस तरह से हो गया था।
लोग कहते थे कि खाली बैठा रहता है, पढ़ाई के नाम पे आराम करता है, कहाँ तो नौकरी करना चाहिए लेकिन लेकिन आराम से जो है वो बैठे हुए हैं पढ़ाई के नाम पे, तो आपको ताना मिल रहा था। आदित, डॉक्यूमेंट फेंकने की सबसे बड़ी मजबूरी गरीबी थी या नौकरी नहीं मिल पाना था? सबसे अब जो मैडम उतना पढ़ाई आदमी कर चुका था, लेकिन आदमी पढ़ के एग्जाम देकर आता था तो पता चलता था घर पहुंचने से पहले कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो पेपर कितने बार बिहार पुलिस और कितने बार बिहार पुलिस का भी एग्जाम दिए थे, तो एग्जाम देकर आते थे तब तक ले पता चलता था कि पेपर लीक हो गया। इस सबसे भी आदमी प्रॉब्लम में रहता था। कौन कौन सा एग्जाम दिए आदित्य आप? मैम दो बार आर्मी में गए थे। अच्छा, दो तीन बार, और उसके बाद बिहार पुलिस का फॉर्म भी 2 से 3 बार भरे हैं, और एक बार ग्रुप डी का फॉर्म डाले थे, और SSC GD डाले थे, उसमें 5 नंबर से मेरा मेरिट नहीं बन पाया, और एक ITBP क्वालिफाइड किए थे जिसमें मैम 300 सीट था करीब, ITBP टेलीकॉम का था, तो 300 सीट था, उसमें 5,000 से भी ऊपर लड़के गए थे लोग फिजिकल देने, उसमें क्वालिफाइड किए थे फिजिकल में, और एग्जाम में भी बहुत सारा लोग गया था तो एग्जाम भी क्वालिफाइड नहीं हो पाया। तो इतना सारा पेपर जो आपने दिया, जैसे आप बता रहे हैं कि बिहार पुलिस का दिया है, आपने आर्मी का दिया है, ग्रुप डी का दिया है, इन सभी परीक्षाओं में आप बैठने गए, आपने प्रयास किया, मेहनत किया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि पेपर लीक हो जा रहा है, और यही एक बड़ी परेशानी हुई, आपको लगा कि इतना पढ़ने के बाद भी जो है वो नौकरी, हमारी मेहनत पे कोई कमी नहीं है लेकिन पेपर लीक जो है वो एक बड़ी परेशानी है, तो आप उससे हताश होकर जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट फेंक दिए? जी जी मैम। घर वाले कुछ नहीं बोले? बोले थे लोग, 2-3 दिन खाना नहीं बना था, डांट रहे थे। देखिए अभी हम जो मुस्कुरा कर इस चीज को जो है वो लाइट ले जा रहे हैं, पर ये चीज बिल्कुल मुस्कुराने जैसी नहीं है। देश का जो युवा है उसकी उसकी हालात इस तरीके से हो गए हैं। पीछे से आवाज आ रही है आदित्य सर, जी। तो हमारे फ्रेम में जो आपको आदित्य नजर आ रहे हैं आज, ये भले आपको नॉर्मल लाइट नजर आ रहे होंगे बात करते वक्त, लेकिन इनके पीछे की जो हताशा और निराशा है वो समझने की जरूरत है। और ये सिर्फ आदित्य नहीं है, देश में ऐसे बहुत से युवा हैं, लगातार कई ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए जा रहे हैं और उस पर कोई ढंग का काम नहीं हो रहा है। आप 8 साल 10 साल की तैयारी करते हैं और पेपर आप बार बार देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, इससे युवा क्या करे? तो हताशा का ये जो आलम है वो यहाँ तक पहुंच चुका है कि अब युवाओं को ये बात भी समझ आने लगी है कि नौकरी उनको नहीं मिलेगी, और इसलिए वो अपना सारा सर्टिफिकेट जो है वो फेंक दे रहे। दोबारा आदित्य बनवाए अपना सारा सर्टिफिकेट कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं बनवाए हैं, अब बनवाएंगे भी नहीं मैम। नहीं, अब मैम हम लोग जब मैट्रिक में पढ़ते थे लोग, तो मेरा दोस्त पढ़ाई छोड़ दिया मैट्रिक में, तो आज और शुरू से काम करना शुरू कर दिया, तो आज यहाँ पर का ठेकेदारी चलाता है हिमाचल में, आज उसके काम में हम कमाने आए हैं। तो उतना पढ़ के क्या फायदा जो उसके काम में हम खुद आके कमा रहे हैं, आज लेबर के काम कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई काम नहीं आई? नहीं। तो आदित्य आप ये जो बात कह रहे हैं कि मतलब कम से कम आपके किस्से में पढ़ाई आपका साथ नहीं दे पाई, आपको एक अच्छी बेहतर जिंदगी नहीं दे पाई, और जो एक जिंदगी में जो कम से कम कुछ पैसा इकट्ठा होना चाहिए जिससे आपकी आपका रोजमर्रा चल सके बेहतर, तो आप ये मानते हैं कि मतलब जितना भी आपने पढ़ा वो आपके साथ नहीं रहा, मतलब आपका साथ नहीं दे पाया? अगर आप पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी होते अपने दोस्त की तरह और कहीं कुछ कमाने चले गए होते तो आज आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो गया होता और कुछ ज्यादा पैसा आप कमा रहे होते, या हो सकता है अपने दोस्त की तरह ठेकेदार बन गए होते। हाँ, एक पढ़ने वाले लड़के से अच्छा हो गए होते हम। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आदित्य आप, अगर आपको देखने वाला कोई युवा है तो आप क्या कहना चाहेंगे उसे?
तो यही कहेंगे कि आर्थिक स्थिति ठीक है तो तैयारी कीजिए आप लोग, नहीं तो समय के अनुसार बदल जाइए आप लोग भी, क्योंकि बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको उम्मीद है कि बिहार जो है वो रोजगार के लिए बेहतर नहीं है अभी भी और आगे भी नहीं हो पाएगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी कभी? बहुत कम चांस है। तो बिहार के जो युवा हैं वो अगर उनके परिवार की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है तो उन्हें समय रहते काम करना चाहिए, आपकी सलाह है ये? जी। और अगर नहीं करते तो क्या दिक्कत होगा? यही पढ़ाई कीजिएगा तो पता चलेगा कि 35 साल में जॉब मिला तब तक ले 10 लाख कर्जा हो गया ऊपर से। अभी आपके ऊपर कितना कर्जा है आपके परिवार के ऊपर? 5-6 लाख के करीब में। तो आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं उससे आप जो है वो कर्जा जो है वो पूरा कर पाएंगे? कितने साल में जो है वो कंप्लीट कर देंगे? 2-3 साल काम करेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा आराम से। तो अभी आदित्य आप गए होंगे तो आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा होगा क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले से काम करने का तजुर्बा है नहीं। कितनी सैलरी? नहीं, लेबर का काम सैलरी में रोज पे रहता है, 500 रुपया मिलता है, लेकिन लेबर का यही है। तो दुख लगता है आदित्य? हाँ, घर पे नहीं बताए कि आप लेबर का काम करना है या घर पे बता दिया आपने? बताए हैं। तो मम्मी कुछ कह रही थी, देखिए अमूमन लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिस्थितियां कई बार इंसान को इतना कमजोर बना देती हैं कि वो जो चीजें मुंह से नहीं कह पाता वो आंखों से कह जाता है। आदित्य की जो पीड़ा है ना वो आदित्य ही समझ सकते हैं कि अपने साल इतने साल मेहनत करने के बाद वो कागज के पत्र डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद उसको गंगा नदी में बहाने के बाद आज स्थिति ये आ गई है कि बिना पढ़ा लिखा इंसान और पढ़ा लिखा इंसान दोनों को एक तराजू में तोल कर एक मान दे दिया जा रहा है। वो पीड़ा है आदित्य की, आप आंखों में उनके आंसू देख कर ये समझ सकते हैं। बाकी मम्मी को आदित्य जब बताए तो मम्मी क्या बोली? कुछ नहीं, रो रही थी। बहन भी है आपके यहाँ? हाँ, सबसे बड़ी है। शादी हो गई होना है? अच्छा आदित्य, नौकरी ना मिलने के पीछे का कारण क्या है? बिहार में शिक्षा बेहतर नहीं है ये बड़ा कारण है, या आपको लगता है कि नौकरी के साधन उपलब्ध नहीं है, भर्तियां बिहार में नहीं है इसलिए जो है वो नौकरी नहीं मिल पाई? मतलब साधन नहीं है इसलिए नहीं मिला या पढ़ाई उस काबिल नहीं थी इसलिए नहीं मिला? बिहार में पढ़ाई भी उस लेवल के नहीं है और साधन भी उस लेवल के नहीं है। पर सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस बिहार से ही निकलते हैं। हाँ, ये तो है। तो ये आदित्य लेकिन बोले लेकिन उनका भी जीवनी देखवे करते हैं किस तरह होता है। आदित्य, अगर आपको सरकार सुन रही है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर आपका कोई मैसेज हो जो आज आप महसूस कर रहे हैं वैसा कोई और युवा महसूस ना करे, इसके लिए अगर आपको मान लीजिए नीतीश कुमार सुन रहे हैं, हालांकि वो सुनेंगे नहीं ये सबको पता है, लेकिन तब भी अगर सुन रहे हो तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार ऐसा क्या करे कि एक युवा पूरी पढ़ाई के बाद इतना हताश महसूस ना करे? क्या मैसेज देना चाहेंगे नीतीश कुमार को? यानी कि जो भी पढ़ाई का शेड्यूल है उसको अच्छा से चेंज कर दीजिए, उसके बाद वैकेंसी का जो है सब एथी कर दीजिए, अच्छा से हो जाएगा। अब मैम यहाँ आ रहे थे हम तो जननायक ट्रेन से आए हैं तो 8 घंटा वो लेट थी। अब आदमी ना होने के चलते वो भी लेट हो ही होगी, उसमें भी आदमी काम करता, वैकेंसी उसका आता, सब
जगह जगह पर परफेक्ट आदमी रहता लोग तो वो भी दिक्कत नहीं होती, कोई चीज का दिक्कत नहीं होता। इस प्रकार की है व्यवस्था, सुधरेगा तो रोजगार भी मिल जाएगा और किसी का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आपको लगता है जो वैकेंसियां निकलती हैं उसपे पेपर लीक नहीं होना चाहिए और खाली पदों को जल्द से जल्द भर देना चाहिए ताकि आपके जैसा कोई इतना हताश ना हो, सर्टिफिकेट को गंगा नदी में बहाने के लिए मजबूर हो जाए। जी मैम, अच्छा वीडियो जब वीडियो वायरल हुआ तो उसमें कमेंट में देखे हैं कि एक मेरा कहानी नहीं है, बहुत सारा लोग तो लिखा था कि अब हम डॉक्यूमेंट नहीं फेंकेंगे बल्कि अपने आप को खत्म कर लेंगे। एक बार आप भी देख लीजिएगा उसमें कमेंट। अच्छा आदित्य, जब आप लोग डॉक्यूमेंट फेंकने के बारे में सोचा था, उस दिन आपके दिमाग में चल क्या रहा था, मतलब आप सोच क्या रहे थे कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया और फेंकने के बाद जब वापस घर लौटे उस बीच आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या आप सोच रहे थे, वो बताइए। बस यही सोच रहे थे कि अब डॉक्यूमेंट मैडम था तो एक कन्फ्यूजन बना रहता था, डॉक्यूमेंट है तो कोई कहेगा कि हाँ इतना पढ़ लिख के आई लेबर का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, उस टाइप से कोई काम भी नहीं करने देता था। और आदमी अभी यहाँ हिमाचल आ गए तब पता चलता था कि चलिए कोई वैकेंसी आया हुआ है तो उसमें डाल देते हैं, तब तक फिर घर जाइए, फिर वहाँ परीक्षा दीजिए, तब पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया, और इधर का भी काम छूटा उधर का भी काम छूटा, कहीं के नहीं रहे। तो आपको लग रहा था कि सर्टिफिकेट काम नहीं आया तो चलो हटाओ सर्टिफिकेट, रोटी के लिए जो बन पड़ता है वही करने की कोशिश करते हैं, तो चाहे वो मजदूरी हो या वो कोई भी काम है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो प्लेट की रोटी जो आपके आपके सामने आ रही है, वो आपकी मेहनत की हो, दलाली की ना हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आदित्य ने अपनी जिंदगी में हर संभव प्रयास किया कि उसकी जिंदगी बेहतर बन पाए, लेकिन सिस्टम उसके साथ नहीं था इसलिए उसको अपना सर्टिफिकेट जो है वो नदी में बहाना पड़ा और आखिरकार मजदूरी करनी पड़ी। तो ये कहानी सिर्फ आदित्य की है ऐसा बिल्कुल नहीं है, देश में बेरोजगारी का जो आलम है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 42% युवा जो है वो बेरोजगार हो चुका है भारत में, और आधे आगे आने वाले समय में आधी आबादी युवाओं की ऐसी होगी जो बेरोजगार होगी। विश्व बैंक तक ने ये कह दिया है कि भारत जो है वो नंबर वन बन चुका है इस मामले में कि हमारे देश के बहुत सारे युवा जो है, या ये कह दीजिए कि अधिकतर युवा जो है वो बेरोजगार है, इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसी देश में है तो वो भारत में है। अब वो अलग बात है कि लोग कहेंगे कि ये जो चैनल है वो सरकार के विरोध में खबरें चलाता है, तो आदित्य को देखिए और इनकी पीड़ा समझिए और समझ कर देखिए कि ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, देशद्रोही है, आखिर इनकी क्या, आखिर मतलब ये क्या है कि इनको सिस्टम ने इतना मजबूर किया कि इनको अपना सर्टिफिकेट फेंकना पड़ा। यही बात कह रही हूँ कि समय रहते सजग हो जाइए, आपकी जिंदगी से आपके प्लेट का निवाला कोई छीन ले उससे पहले आप सवाल पूछना सीख लीजिए और पूछिए कि मेरे हिस्से का नौकरी कहाँ जा रहा है, वैकेंसियां जब खाली है तो उसे भरा क्यों नहीं जा रहा, ये सारे सवाल आपके हैं जो आपको पूछना चाहिए। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो आज आदित्य यहाँ पर है, हो सकता है कल आप यहाँ पर हो, लेकिन ये बात समझ कर देखिए कि देश तभी मजबूत बनेगा जब आप सवाल पूछने लगेंगे, जब आप अपने हक के लिए लड़ने लगेंगे। आपको विरोधी कहा जा सकता है, सत्ता विरोधी कहा जा सकता है, जो जिसको जो कहना हो वो कहिए, कहता रहे, लेकिन आपको अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। आज आदित्य मजबूर है, कल आप मजबूर ना हो ये सोचकर आवाज उठाना सीखिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आदित्य बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, मैं आपकी पीड़ा को कम तो नहीं कर सकती पर मैं अपने स्तर का प्रयास कर रही हूँ कि सरकार जो है वो हम या आपके प्रयासों से जग जाए, अगर वो गहरी नींद में है तो वो उठ जाए और वो समझ पाए कि देश का युवा कितना परेशान है। तो मुझे लगता है आदिश ये वीडियो जो है वो सरकार तक पहुंची या ना पहुंची पर जो है कुछ युवाओं तक जरूर पहुंच पाएगी और उनको एक आस मिलेगी कि वो अपने लिए बोलेंगे, क्योंकि अगर आदित्य हम और आप समय रहते नहीं बोले तो आगे आने वाली पीढ़ियों को और कम वैकेंसी मिलेगी और वो आप जैसे और हम जैसे और परेशान ना हो, इसलिए हमें बोलना चाहिए। तो आदित्य बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम।